चलिए अब बात करते हैं हम वेरियस स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग फोकस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इसने कंपेयर किया हमारे, जो हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल थी उसी पे अलग अलग एंगल पे बात करी कि भैया प्रॉफिट कैसा होता है, सेल्स कैसी होती है, कस्टमर टारगेट कैसे करने पड़ते हैं, कंपटीशन कैसा करना पड़ता है, उसको सबको उसने यहाँ पे डिफाइन किया। अब बात करें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या बोला भाई? हाँ, कितनी स्टेजेस होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की? ये क्वेश्चन पक्का है भैया, पहला क्या है प्रोडक्ट में? आइडिया। सबसे पहले क्या है स्टेजेस ऑफ, इस चीज की स्टेज पढ़ रहे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बात कर रहा है। तो ए में बोलता है क्या? आइडिया जनरेशन। क्या होता है? आइडिया जनरेशन, आइडिया लाओ, प्रोडक्ट लाओ। 4G क्या है? जब शुरू में बना कभी, इट वाज ए आइडिया। 10G क्या है आज? 10G इज ए आइडिया कि ऐसा करेंगे। जो भी रियल में नहीं है वो क्या है? आइडिया तो है। वाईफाई टेक्नोलॉजी आइडिया, ठीक है। फिर बोलता है कॉन्सेप्ट डेवलपिंग है, ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करेगा। कॉन्सेप्ट को क्या करना? डेवलप करना, और क्या करना? टेस्टिंग करना। सी में क्या है बोलता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आज ये एक मैच्योरिटी वाली स्टेज हो जाती कि प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? डेवलप हो गया, क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। जब कॉन्सेप्ट आपका ओके हो गया, कागजों में काम करना, फिर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी, फिर क्या होता है? टेस्ट करो भैया। टेस्ट कहां पे होता है प्रोडक्ट? एक तो लेबोरेटोरी में होता है, और एक किसके पास होता है? पब्लिक के पास। तो मार्केटिंग टेस्ट मतलब उसको लाएंगे धरातल पे, बेचने चले, कुछ करो, कहीं डेमो करा, कुछ करा, और फिर क्या है, जब उसने देखा हाँ जी ठीक ठाक हो रहा है, फिर एक उसकी कॉमर्शियल लॉन्च होती है। एक क्वेश्चन आपका जो है इसमें से बनता है, देख लो, सीरीज होता है, बिल्कुल मैंने बताया। एक तो क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में सीरीज सीक्वेंस के वो करते हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होगा, क्या होगा? कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? टेस्ट मार्केटिंग हो रही है, फिर ACPD, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इसको पढ़ दो, जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना शब्द नए, आइडिया जनरेशन में एक लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एज एन एरर एट दिस स्टेज हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। कि अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप, उसकी कोई एरर अगर आपने मिस कर ली तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? और दो तरह की होती है, क्या है? ड्रॉप एरर और डू एरर। क्या बोला है? ड्रॉप एरर और डू एरर व्हेन एन अदरवाइज गुड आइडिया इज डिसमिस्ड। ये क्या बोला इसने? कि ये पेन बना, उसने बोला कि सर ऐसा कीजिए, इस पेन में कैप मत लगाइए, इस पेन में कैप मत लगाइए, इसका जो निब है वो उसी को अंदर खींच लीजिए। तो नहीं यही ठीक रहेगा। आइडिया दिया किसी ने कि सर हम ये एक एडिशनल क्यों लें, कि हम इसी को जब नहीं यूज करना हो तो हम ऐसे सरकार ने पीछे को आ जाए। तो ये एक आइडिया था, हो सकता है आपकी कॉस्ट को बचा देता। जैसे बॉल पेन थे ढक्कन वाले, बाद में आए टिक-टिक आए, तो वो क्या, इट वॉज एन आइडिया। तो कहता है स्क्रीनिंग में ये एरर होती है कि कोई ऐसे आइडिया को ड्रॉप करा, ड्रॉप एरर। ये कौन सी एरर हुई? ड्रॉप, आपने आइडिया कोई छोड़ दिया। और कौन सी है? डू एरर, गलत आइडिया पकड़। डू एरर का देखिए,
When a poor idea graduates to development, Haran, समझे? Graduates का मतलब स्नातक मतलब उसको maturity भी लिया, उसको adopt कर लिया, उसने idea दिया, क्या idea दिया था? कि ये जो है transparent कर लो साहब, idea दिया, हाँ यार अच्छा लगेगा, कोई मुझे बता सकता है अगर मैं इसको transparent कर लूँ, अच्छा लगेगा, good idea? नेगेटिव मतलब क्या नुकसान हो सकता है क्या इंक ड्राई जल्दी हो सकती है ड्यू टू लाइट इफेक्ट तो ये क्या होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सारे एक ड्रॉप एरर है एक क्या है टेस्टिंग में देखो तो ये आ गया हमारा टेस्टिंग में देखिए क्या है टेस्टिंग में तो कोई खास बात नहीं कर लोगे प्रोडक्ट डेवलप टेस्ट मार्केटिंग हो जाएगा लॉन्चिंग लॉन्चिंग में कुछ एस्पेक्ट देख लो आप लॉन्चिंग में जब आप करोगे कमर्शियल लॉन्च करोगे तो आपने क्या चीज देखनी है लॉन्च करने में देखो एक तो किस समय करना है टाइम दूसरा क्या है ज्योग्राफिकल रीच और तीसरा क्या है प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर ग्रुप्स और क्या आगे मार्केट स्ट्रेटजी ध्यान रखना कमर्शियल लॉन्च के लिए किस समय करना है कहां करना है और प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर गुड्स क्या क्या चीजें हैं कंज्यूमर ग्रुप्स है किन लोगों के लिए करना है और अगला क्या है कि मार्केट किस किस तरह से करना है मार्केटिंग कैसे होगी इस चीज की क्या होगा डिस्प्ले मार्केटिंग करेंगे पैम्फलेट बांटेंगे क्या करेंगे तो इसे देख लो क्या है कब कहां किनको कैसे कब कहां किनको और कैसे ठीक है अच्छा अगला एस्पेक्ट आता है ग्रोथ की स्ट्रेटजी ये बहुत आसानी से मैं बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा इसको आप लोग समझेंगे तो आ जाएगा जब हम लोग देखो सुनो ये स्टेप वाइज हो रहा है हमारा जब हमने साइकिल की बात करी थी ऐसे करी थी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने अब हम क्या पढ़ रहे ग्रोथ में कैसे कैसे करेंगे मतलब हम यहां से यहां कैसे आए तो उसके आने के लिए बोला कि एक इसने विंडो बना रखी क्या बना रखी है इसको देखो इस कॉन्सेप्ट समझ लो हम लोग जब भी ये मार्केटिंग वगैरह के ये मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको क्वाड्रेंट थ्योरी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट चार टुकड़ों में करके करते हैं तो इसने बोला है पहला वाले में बोला है मार्केट कैसा है समझ लेना इसको समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा मार्केट कैसा है और आपका प्रोडक्ट कैसा है तो क्या बोलता देखो मार्केट बोलता है एग्जिस्टिंग है मोबाइल का मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट उसमें आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं लेट्स से 4G प्रोडक्ट योर प्रोडक्ट इज 4G इन विच मार्केट आ रही बात समझ मोबाइल मार्केट में 4G प्रोडक्ट ला रहे हैं और पहले से ही है 4G टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है मोबाइल मार्केट भी एग्जिस्ट है अगर दोनों चीज ऐसी हैं तो आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी क्या लिखा हुआ देखो किताब में मार्केट पेनिट्रेशन कि घुसना है कैसे पेनिट्रेट होना तो भेदना जबरदस्ती घुसना तो आपको जबरदस्ती कैसे घुसो आपने देखा होगा रेट कम करोगे वैसा चीज करनी पड़ेगी मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा एकदम से पल्टन बाजार में एक नया कोई ठेली वाला लगेगा तो किसी ना किसी से कैसे जगह लड़के खड़ा होगा पहले क्यों क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो पहले से वहां मौजूद है और उसका क्या है मार्केट भी मौजूद है कस्टमर तो आने ही आने बस आप किसी भी तरह जगह बना लो अपने ठीक है तो क्या होगा इसमें पेनिट्रेशन और क्या है देखो
उसने बोला कि मार्केट क्या है, न्यू है, क्या है मार्केट, न्यू है, और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो हम इसको बोलते हैं कि 4G टेक्नोलॉजी है, कहां पे ला रहे साहब, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे डेवलप होता है मार्केट, अभी पीछे पड़ा था हमने, भाई आप अवेयर करेंगे लोगों को, बताएंगे कि अब टीवी जो है 4G से चलेगा, तो लोगों के मन में जागृति आएगी, वो दुकान में कहेंगे साहब वो आया क्या वाला टीवी, और जब वो मांगने आया उसी समय वो होगी कि हाँ सब आ गया है, ठीक है। दूसरे केस में देखो, मार्केट एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट क्या आ गया आपकी बार, मोबाइल का मार्केट है, क्या कर दूं, कब बिक सकता है आपका, जब आप अपने को प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। देखो यहां जो है दोनों इफेक्ट कहां करने पड़ रहे हैं, देख लो ध्यान से समझ आएगा, नहीं इधर वाला क्वाड्रेंट जो है मार्केट को वो करता है, इधर वाला मार्केट को करता है, इधर वाला प्रोडक्ट को करता है, इधर के लिए कहां एम्फेसाइज कर रहे हैं, मार्केट, और इधर वाले प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो, और क्या दूसरा नीचे प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करो, अभी देखना इसको बताता हूं डाइवर्सिफिकेशन कैसे। देखो आपका मार्केट भी नया, टीवी मार्केट और प्रोडक्ट भी नया, तो यानी कि एकदम से नया तरह का चीज ला रहे, लोगों के लिए नई जगह पर नई चीज आ रही है, मार्केट भी नया है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारे फिजिकल मार्केट होते हैं वहां कहीं थे ही नहीं, मान लिया आज नया मार्केट, यहां से भी कल से यहां बाजार लगेगी, और आप वहां प्रोडक्ट भी बोला है जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लाऊं जो आज तक उस जगह पर किसी ने देखा नहीं, तो उसके लिए क्या है, आपको डाइवर्सिफाई यानी रेंज देनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, रेंज, रेंज होती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यही जो फोर क्वाड्रेंट है, देखो ऊपर बोला है मार्केट प्रोडक्ट वो दिया हुआ है एक्सपेंशन ग्रिड, इसका नाम क्या बोला था, मार्केट प्रोडक्ट एक्स एक्सपेंशन ग्रिड दिया हुआ, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ देखो उसमें, दिस ग्रिड में आल्सो बी मेक द एनालिसिस ऑफ द मार्केट पर्सनैलिटी आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, हर फर्म के इंडिविजुअल उसमें करा, देखो ये चार कर रहे हैं दोबारा से, तो उसने बोला है कि अगर इसको मैं ही बनाता रहा, देखना रहा यहां से थोड़ा टेंशन चाहिए मेरी आपकी, यहां क्या है एग्जिस्टिंग, यहां क्या है न्यू, यहां क्या है एग्जिस्टिंग, यहां क्या है न्यू, ठीक है। पहला बोलता है इमोबाइल नॉन इनोवेटिव, यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाओगे, अभी जो एग्जाम्पल दिया ना ठेले लगे हुए सब में सब्जी बिक रही है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए क्या, नहीं जगह बस खड़े होना है आपको वहां पे, तो उसके लिए बोलना है इमोबाइल नॉन इनोवेटिव, यानी आपको कुछ भी नया लाने की जरूरत नहीं है, हरी बात समझ में नहीं आ रही है, आप बात करता देखो इमोबाइल, हाँ यहां पर बोला इमोबाइल, अब आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग नए में जा रहा है तो आपको मोबाइल होना पड़ेगा, यानी कि आपको घूमना पड़ेगा, और बोलता है लेकिन प्रोडक्ट कैसा चल जाएगा, क्यों नॉन इनोवेटिव चला भाई, कस्टमर ही वहां पर नए हैं, मार्केट ही नया है, तो वहां पर जो भी चीज जाओगे सब कुछ इनोवेटिव है भाई, कोई मोबाइल मान लिया अगर अपनी जनजातीय क्षेत्र में आज बिकने लग जाए तो उनके लिए वही इनोवेटिव है, कुछ नया नहीं लाना, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लाओगे तो वो कहता है एक तो इमोबाइल, ये तो दोनों इमोबाइल मोबाइल इम मोबाइल है और ये दोनों क्या है मोबाइल है, वो कहता है एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट ला रहे हो तो कहता है इमोबाइल रहेगा, लेकिन वो नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और यहां पर भी क्या होगा कि
कि न्यू मार्केट नया जगह नया प्रोडक्ट तो क्या होना चाहिए इनोवेटिव. तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनको आपको याद करना है. क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा. ये वो क्वेश्चन है जो साहब कहते हैं समझ में नहीं आया कि बड़ा अजीब सा लिखा हुआ था. क्योंकि देखो पास होने के कई तरीके, खुद पढ़ के पास हो जाओ, किसी के पढ़ाने से पास हो जाओ, और बिना पढ़े पास हो जाओ. ठीक है, तो अगर आपको वहां पे ये कॉन्फिडेंस चाहिए तो जो हम आज पढ़ रहे हैं वो पूरा शब्द हमें डेफिनेटली वहां हेल्प करते हैं. क्योंकि चार पांच दिन की बात है, इतने तो याद रहेगा. दस में से दो गलत हो जाए कोई बात नहीं, दो के आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, अगर छह भी दे रहे हैं बहुत कर रहे हैं आप. ठीक है, तो ये हमने क्या बताया भैया, इसको क्वाड्रेंट स्टोरी बोलते हैं. ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी है. किस चीज की बताया हमने, प्रोडक्ट वर्सेस मार्केट, कि कैसे कैसे हम लोग वो करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो